हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मोबाइल से ट्रेन का तत्काल टिकट किस तरह से बुक कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपका ट्रेन का टिकट एक दिन पहले ही आप उसको बुक कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका ट्रेन कल का है, तो उसको आपको एक दिन पहले ही बुक करना है, यानी कि उसको आज की तारीख पर उसको बुक करना है। तो दूसरी ये, अगर आप तत्काल टिकट कंफर्म बुक कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो उसमें आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी, आप अगर आपका जो ट्रेन है अगर 3 घंटे से अगर ज़्यादा लेट है, उसके बाद अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको उसमें फुल रिफंड दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपका तत्काल टिकट वेटिंग लिस्ट में है, उसके बाद आप उसे कैंसिल करते हैं, तो उसमें भी आपको इसमें फुल रिफंड दिया जाएगा। तत्काल टिकट बुक करने का समय आपका 10 बजे से शुरू होता है, जो कि 10 बजे से आप कोई भी एसी टिकट आप बुक कर सकते हैं एवं 11 बजे से कोई भी आप नॉन एसी टिकट बुक कर सकते हैं। इससे पहले आप कोई टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इसी वीडियो पे बताएंगे कि आप तत्काल टिकट मोबाइल से किस तरह से बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स प्ले स्टोर में चले जाने हैं, और जाने के बाद यहाँ आपको सर्च में यहाँ पर सर्च कर लेना है IRCTC। जैसा आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको WebECL एक वेबसाइट आपको एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, जो कि इस एप्लीकेशन को आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। जो कि मैं इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, तो सिंपली मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद इस तरह से आपका कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा आपको यहाँ पर अलाउ मांगेंगे, तो यहाँ पर अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर COVID-19 का कुछ अलर्ट रहेगा, आपको ओके कर देना है। सिंपली ओके करने के बाद इस तरह से आपका पेज खुलकर आ जाएगा। माय अकाउंट सेक्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर माय अकाउंट सेक्शन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपको यूज़र आईडी आपका आप पहले से अगर आप बनाए तो यूज़र नाम और आईडी पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद अगर आप नहीं बनाए, तो मैंने इसके लिए पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि आप IRCTC में किस तरह से यूज़र आईडी बना सकते हैं, तो उस वीडियो को देखकर आप आसानी से आईडी बना सकते हैं। तो जो कि मैं आपको यहाँ पर आईडी में फटाफट से मेरा आईडी यहाँ पर डाल दूंगा। डालने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। तो अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेरीफाई यूज़र लेगा। उसके बाद आपको जो यहाँ पर पिन आपका रहेगा, यहाँ पर पिन आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर मैं यहाँ पर पिन यहाँ पर डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पर सबमिट यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन रहेगा वो आप यहाँ पर खुल कर आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर सर्च ट्रेन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे आपको जिस स्टेशन डालना है, इस स्टेशन का यहाँ पर नाम और जहाँ तक आपको जाना है यहाँ पर डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर तत्काल बुक करना चाहता हूँ, तो बुक करने के लिए आपको यहाँ पर 22 तारीख को क्लिक कर देना है, जो कि आज का 21 तारीख है। तो मैं यहाँ पर 22 तारीख पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च ट्रेन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा ट्रेन यहाँ पर आ चुका है। मैं कोई सा भी एक ट्रेन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ये वाला ट्रेन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जनरल यहाँ पर लिखा है। सिंपली इस कोने वाले बार पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको देख सकते हैं यहाँ पर तत्काल पे आपको यहाँ पर टैप कर देना है। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पे तत्काल सेलेक्ट करने के बाद, उसका आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है कि आपको फर्स्ट एसी क्लास चाहिए, फर्स्ट क्लास, या फिर आपका रिजर्वेशन चाहिए जो कि आपको सेकंड क्लास या 2S। तो बहुत सारे आपको यहाँ पर कोचेस मिल जाएगा। आप 3rd क्लास भी ले सकते हैं, स्लीपर भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद 2S भी आपको यहाँ पर कन्फर्म आपको नहीं मिल रहा है, स्लीपर आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर स्लीपर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि 800 कुछ यहाँ पर रुपया है। तो जैसे हम यहाँ पर बुक नाउ पर यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आई एग्री पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ट्रांजैक्शन क्लास कोटा आपको यहाँ पर कुछ आएगा। आने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको पैसेंजर डिटेल जो आपको रहेगा, एड पैसेंजर डिटेल्स आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद वहाँ पर आपको जो नीचे यहाँ पर आपको इंटीरियर कोचेस नंबर अगर आपका रहता है, तो यहाँ पर कोचेस नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पर ऑटोमेशन अपडेटेशन आपको यहाँ पर टैग लगा देना है। टैग लगाने के बाद आपको यहाँ पर जैसे आपको अभी COVID-19 कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर आपको जो चल रहा है, आपको जो व्यक्ति का ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं उसका आपको यहाँ पर एड्रेस डालना पड़ेगा, जो कि पहले तो नहीं था, लेकिन अभी COVID-19 की वजह से यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना एड्रेस फटाफट यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पैसेंजर का यहाँ पर नाम और उसका एज यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बर्थ कोचेस पे यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टेप आपको यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे यहाँ पर कोचेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि आपको कौन सा यहाँ पर लोवर चाहिए, साइड लोवर, मिडिल लोवर और साइड लोवर कुछ भी। तो मैं यहाँ पर साइड लोवर यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद आप यहाँ पर नेशनलिटी पर नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एड पैसेंजर पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपको यहाँ पर ऑटोमेशन अपग्रेडेशन आपको क्लिक कर देना है। जो पैसेंजर का आप यहाँ पर टिकट बुक कर रहे हैं उसका आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस जो है पूरा यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ।
जैसे आप यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर दे, तो आपको यहाँ पर पेमेंट मोड के लिए पे यू आर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग एंड वॉलेट्स आपको बहुत सारे यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद हम उसको छोड़ के आप यहाँ पर भीम यू पी आई यहाँ से भी आप पे कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आपको यहाँ पर पेमेंट करते हैं तो आपको 15 रुपीज़ यहाँ पर GST चार्ज लग जाएगा। अगर यू पी आई से आप यहाँ पर चार्ज पे करते हैं तो आपको यहाँ पर 10 रुपये फी लगेगा। तो मैं कोई भी यहाँ पर भीम यू पी आई या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग वॉलेट कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर इंश्योरेंस वाला पे अगर आप इंश्योरेंस रखना चाहते हो या फिर नो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ पर नो कर दिया हूँ। उसके बाद जर्नी डिटेल आप यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई आपको कैप्चर आएगा तो कैप्चर आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। जैसे यहाँ पर ट्रैफिक लाइट यहाँ पर पूछ रहा है तो कोई आपको यहाँ पर क्लिक करके मैं यहाँ पर लाइट यहाँ पर ओके कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो बैलेंस आपको जो रहेगा इतना कितना लगेगा आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 882 रुपये आपको कुछ यहाँ पर चार्ज लग रहा है। तो यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर रखने दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसेस टू पे आपको यहाँ जैसे बटन दिख रहा है कोने पे यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर COVID-19 का कुछ यहाँ पर बुकिंग करने प्रणाली का आपको कुछ यहाँ पर अलर्ट कर रहा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। आप मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वॉलेट भी बहुत सारे आपको पेमेंट करने के लिए मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर वॉलेट भी सिलेक्ट करते हैं या फिर दूसरा पेमेंट भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वॉलेट पे आप यहाँ पर चाहे तो आपको देख सकते हैं IRCTC वॉलेट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके उसे छोड़ के आप यहाँ पर और भी यहाँ पर IRCTC MobiKwik जियो मनी ओला मनी पेटीएम और एयरटेल पेमेंट बैंक। तो मैं यहाँ पर पेटीएम सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पे नाउ पे जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो पेटीएम नंबर रहेगा यहाँ पर आपको सिंपली ऐड कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर पेटीएम नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। डालने के बाद आपको उसी नंबर पे आपको यहाँ पर OTP आएगा, तो OTP सिंपली यहाँ पर डाल देना है। तो मेरे यहाँ पर OTP आ चुका है, मैं सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर सबमिट पे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका जो यहाँ पर वॉलेट का कार्ड या फिर नेट बैंकिंग आपका जो भी कुछ रहेगा आप वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट कार्ड से अगर पहले से आपका पेमेंट है तो आप कार्ड भी यहाँ पर देख सकते हैं या नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड। तो आपको यहाँ पर CVV पिन आपका जो भी कुछ यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर डाल के आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर पे वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर पे कर दे तो आपको यहाँ पर टिकट आसानी से आपको यहाँ पर बुक हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के बाद यहाँ पर माई बुकिंग यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो टिकट रहेगा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा और आप वहाँ पर टिकट आसानी से उसमें से आप देख सकते हैं। जो कि मैंने यार कुछ देर पहले यहाँ पर टिकट मैंने यहाँ पर बुक किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर बुक किया था 4 जुलाई के लिए, तो मैंने उसको 3-4 आदमी का टिकट बुक किया था लेकिन मेरे को जाना नहीं हो उसके वजह से टिकट कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर होम पेज पे आएंगे, आपको टिकट अगर आपको कैंसिल करना है तो यहाँ पर कैंसिल वाला बटन पे आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको अगर टिकट अगर रिफंड किया कैंसिल किया और कुछ किया तो आप यहाँ पर रिफंड हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो आई होप दिस तो वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे एवं दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर इसी तरह से टेक्निकल से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।